हमने देवराज ब्राह्मण का प्रसंग सुना, चंचला का प्रसंग सुना, बिंदुक का प्रसंग सुना, सब गोरख धंधे करने वाले लोग थे, पर अंत में इनका भला हुआ तब जब इन्होंने भगवत आश्रय लिया, या कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्शन जुड़ा, कहीं ना कहीं भगवान से इनका संबंध जुड़ा, किसी कारण से किसी क्रिया के माध्यम से इनका प्रभु से संबंध जुड़ा, तभी इनका कल्याण हुआ, तभी ये दुखों से छूट पाए, तभी इनको नारकीय योनियों से मुक्ति मिली, तभी इनको दिव्य आनंदमय नित्य सुख शांति का क्षेत्र भगवत धाम की इनको प्राप्ति हुई। आदमी संसार की तरली संसार के लिए जितना सावधान रहता है ना, इससे आधा भी अगर भजन भक्ति के लिए सावधान रहता होता तो इसका कल्याण हो जाता। हम लोग संसारिक सुखों के लिए, संसारिक उपलब्धियों के लिए, संसारिक भोगों के लिए बहुत सावधान रहते हैं, वेरी सीरियस रहते हैं, पर भजन के लिए, भगवान के लिए सुनते ही ठंडे पड़ जाते हैं, ठंडे गार सुनते ही ठंडे गार पड़ जाते हैं। महाराज, ये भगवान का काम तो तुम्हें ही कर लिया करो, आरती की थाली इधर पहुंचा दिया करो, सो 5-10 रुपए हम पटक दिया करेंगे, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने वाला है, बाकी तुम्हारी लीला तुम जानो, ज्यादा हमसे आशा मत करो। और जो पवित्र जीवन जीते हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहते हैं, उनके अंदर भगवत भाव पैदा होने लगते हैं, भक्ति भाव पैदा होने लगते हैं, उनके अंदर की दुनिया, अंदर का आकाश बिल्कुल बदलने लग जाता है, और वो उस दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं जहां संसार कल छूटता हो तो आज छूट जाए, पर मेरा भजन, मेरी भक्ति, मेरी पवित्रता, मेरा स्मरण, मेरी हरि हर यात्रा न रुके। बस कुछ लोग ऐसी स्थिति में भी रहते हैं, पर वो उंगली में गिनने लायक ही है, बस वो उंगली पे गिनने लायक, उनके लिए आपको कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना पड़ेगा, उंगली में गिन लो महाराज। जो इस स्थिति में है कि मुझे मेरी भक्ति, मेरी पवित्रता, मेरी प्रभु की यात्रा ये ठीक से हो जाए, मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, जो छोड़ना पड़ेगा सब छोड़ देंगे, जो पकड़ना पड़ेगा सब पकड़ लेंगे, पर मेरी भगवत यात्रा पूर्ण हो जाए। कुछ इस स्थिति के लोग भी रहते हैं, और कुछ इस स्थिति के लोग भी रहते हैं, गाय के अयन के थन के पास चिपकी हुई जोंक सिर्फ खून पीती रहती है, दूध पीने का भाव ही उसके अंदर पैदा नहीं होता। ऐसे ही सनातन धर्म में जन्म लेकर के सनातन धर्म के देश भारत देश में रहने वाले लोग भी, जहां चारों तरफ कथाओं का, मंदिरों का, तीर्थों का बोलबाला है, सारा वातावरण ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने, संतों ने, दूरदर्शियों ने, युग पुरुषों ने, सारा वातावरण जहां हमारे लिए इस तरह से बना करके खड़ा कर दिया, बट हम उसका लाभ लेने के लिए तैयार नहीं।